और दोस्तों कल एक नया सनराइज होने वाला है विथ ए न्यू होप एंड डेफिनेटली विथ ए न्यू ईयर दैट इज 2022। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी को आज के हमारे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज है 31 दिसंबर यानी कि 2021 का लास्ट डे, और इस लास्ट डे को मनाने के लिए हम दोस्तों आ गए ब्रह्मपुत्र घाट में जो कि बनाया गया है। देख सकते हैं आप, ये नया बनाया गया है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत आपका सनसेट का व्यू भी आपको देखने को मिलता है। तो इसी सनसेट को विटनेस करने के लिए हम आए हैं और इस ब्रिज को अभी क्रॉस कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। तो लुक एट द ब्रिज दोस्तों, और यह ब्रह्मपुत्र का पानी भी यहाँ पे बहुत सूखा हुआ है, बहुत कम पानी रहा है, इसीलिए ये ब्रिज बनाया गया है ताकि लोग इधर से आ सके और कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सके। बहुत ही सुनसान जगह है, उस जगह पे हम थोड़ा घूम के आएंगे। लिटरली लुक एट द ब्रिज दोस्तों, इतना टेम्पररी ब्रिज बनाया गया है और हम जा रहे हैं आगे। और ये जो आगे देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है आपका, उधर पे आपको उमानंद टेम्पल देखने को मिलता है। इसी को बेसिकली पिकॉक आइलैंड भी बोला जाता है, लेकिन मजे की बात ये है कि यहाँ पे कोई पिकॉक देखने को नहीं मिलता। इधर नीचे उतर के देखते हैं तो कैसा लग रहा है जबीर भाई, एकदम मस्त फीलिंग। मैं अपने दोस्त के साथ ससलांग के साथ आया था। तो ससलांग, हाउ आर यू फीलिंग मैन? ये सनसेट जो आप देख रहे हो, आज का जो लास्ट दिन है ना सनसेट प्लस इधर ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हम ब्रिज से चल के आए, इतना एक्साइटमेंट है कि हम स्पीचलेस हो गए एक तो। फिर आज का जो लास्ट सनसेट है उसका इतना मतलब हमारे दिल में वो रह जाए कि हमने 2021 लास्ट एंडिंग सनसेट देखा है। कल तो जो होगा वो 2022 न्यू ईयर होगा, नया साल नया दिन होगा, एक नई उम्मीद के साथ चलेंगे। तो सब लोग एंजॉय कीजिए, बाय बाय। और इधर आप रोपवे भी देख सकते हैं दोस्तों, ये रोपवे टर्मिनल का एक वीडियो भी मैंने बनाया था, यही पास ही है रोपवे। और पिकॉक आइलैंड भी आपको दिखा दिया, और क्या देखना है। इधर से हम सोच रहे हैं कि आगे थोड़ा जाए, तो अभी एक और छोटा ब्रिज है आप देख सकते हैं, इसको भी हम क्रॉस करने जा रहे हैं अभी आगे। आजा ससलांग, आजा। अरे ये टूटा हुआ है क्या? क्या भाई देख रहे हो, ब्रिज देख रहे हो? ऐसे ब्रिज आप लोगों ने, कितने लोगों ने ऐसे क्रॉस किया है कोई बता सकता है कमेंट में? इतना गेट से ओए होए होए होए। अगर गिर जाऊंगा ना तो पूरा शू सब खत्म हो जाएगा। नीचे देख रहे क्या है? और ये जहाज में दोस्तों पार्टी हो रहा है, पार्टी। ये देखिए आप ब्रह्मपुत्र का पानी, आ आ आ, इधर से आपको पानी देखने को मिल रहा है, उधर तो पूरा सूख गया है। तो देखिए आप, सन छोटा सा हो चुका है, अभी कुछ ही मिनटों में सन अभी डूबने वाला है हमारा 2021 का। एंड विद दिस वी आर गोइंग टू से गुड बाय टू 2021। हम यहाँ पे पत्थर जाना है, पत्थर में जाने के सोच रहे हैं दोस्तों, चलो जाते हैं। तो यहाँ पे आप रोपवे भी देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका मेन गुवाहाटी से आपका नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्ट करता है ये रोपवे टर्मिनल, इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है अपने चैनल पे। तो अभी हम और एक छोटा सा आइलैंड है उसमें आ चुके हैं।
काफी दूर पैदल चल के आए, अच्छा लग रहा था आज का लास्ट इवनिंग। उर्वशी आइलैंड है शायद ये, हाँ या उर्वशी आइलैंड है शायद। आगे जा रहे हैं हम, हाँ चल इधर आ जा, आगे आ जा। कुछ ही नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है और चारों तरफ पानी, अच्छा लग रहा है ये छोटा सा आइलैंड, मिनी आइलैंड। रहा आज का इवनिंग? आज का इवनिंग लाइक इधर पे शांति है, कोई ऐसा वो नहीं है, आके सुकून लगा आपको इधर पे। अगर जितना जल्दी हो सके आप इधर पे आइए, नहीं तो पानी जो है भर जाएगा। तो आपका जो इधर पे ब्रह्मपुत्र जो हवा आता है बहुत ही अच्छा है, आपको पूरा रिफ्रेश कर देगा आपका मूड। और न्यू ईयर आ रहा है, जरूर आइएगा। सो दोस्तों 2020-21 का हमने लास्ट सनसेट भी विटनेस कर लिया है और इसी के साथ हम दोस्तों वीडियो को करेंगे यहाँ पे समाप्त। एक छोटा सा आइलैंड भी हमने घूम लिया है ससलांग के साथ, आज लास्ट इवनिंग बहुत ही बढ़िया रहा है ना। और दोस्तों कल एक नया सनराइज होने वाला है विथ ए न्यू होप एंड डेफिनेटली विथ ए न्यू ईयर, दैट इज 2022। तो आप सब लोगों को मैं एडवांस हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ और वीडियो को करेंगे यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय बोल दे, बाय बाय, थैंक यू।